राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 9। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 9। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग व तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराए देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। तब लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तचकर पराए देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। सुलेमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम को, जिससे उसके मनमाने देवदारू और सोनवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हिराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये नगर क्या तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हिराम ने राजा के पास 60 किक्कार सोना भेज दिया। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनवाए, मिल्लो और यरूशलेम शहर की शहरपनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। सो सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथोरेन, बालात और तामार को जो जंगल में है दृढ़ किया, ये तो देश में है। फिर सुलेमान ने जितने भंडार के नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सबको उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यवुसी जो रह गए थे, जो इस्राएल में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इस्राएली सत्यानाश न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया,
वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हकीम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए, जो मुख्य हकीम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, वे 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने भवन को आई, जो उसने उसके लिए बनवाया था, तब उसने मिल्लो को बनवाया और सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनवाई थी, प्रतिवर्ष ये 3 बार होमबलि और मेलबलि चढ़ाया करता था और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सन्मुख थी धूप चलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर लिया। सुलेमान की धन संपत्ति और व्यापार और शिबा के रानी का आना। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में, जो एदोम देश के लाल समुद्र के तीर एलोत के पास है, जहाज बनवाए और जहाजों में हिराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र से जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया।